पंजाब और सिंध, वहां पे जी सर विद द मोहम्मद बिन कासिम पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, और जो है एरिया खेपी के और बलूचिस्तान का, वहां पे इस्लाम आ गया सुल्तान महमूद गजनवी गजनवी के थ्रू। जी अगर आप गौर करें अपने पेजेस पर, सामने एक चीज लिखिए, अलग पेज पे एक लिखिए, मैं आपको ऊपर लिखिए लाहौर रेजोल्यूशन ओब्लिक पाकिस्तान रेजोल्यूशन, दानियाल इमरान लिखते हैं एल एम ए ओ, इसका क्या मतलब है दानियाल, किस चीज का एब्रिविएशन बनाया आपने ये? चलें फिलहाल आप ये लाहौर रेजोल्यूशन के अल्फाज लिखिए, इट इज द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस सेशन, इट इज द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस सेशन ऑफ ए आई एम एल यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इट इज द कंसिडर्ड व्यू ऑफ ए आई एम एल दैट द नॉर्थ वेस्टर्न, अंडरलाइन कर लीजिएगा हल्का सा, दैट द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, इसको भी अंडरलाइन कर लें नॉर्थ ईस्टर्न को छोटा सा, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी शुड बी कंसॉलिडेटेड, शुड बी कंसॉलिडेटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट स्टेट्स, टू फॉर्म इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स को भी अंडरलाइन कर रहे हैं लफ्ज को, to form independent states where constituent units, where constituent units would be sovereign. Where constituent units would be sovereign. ठीक हो गया जी आसान साहब? जी सर। इसमें जरा सा गौर करें, फरख जेब कहते हैं वॉइस इज नॉट कमिंग, भाई वॉइस क्यों कमिंग नहीं हो रही, भाई वॉइस को पूछे एडमिन भाई, जरा सा बोर्ड फोकस करें जी हसन, बोर्ड सही नजर आ रहा है? जी सर क्लियर। देखिए मैं क्या करने लगा हूं, ये मैंने लिखा एक अदद सी, देखा आपने सी कैसे लिखा मैंने, बोर्ड फोकस कर, ओके ये सी लिख दिया मैंने, लिखा गया जी आसान काम है, मुश्किल तो नहीं कोई? नो सर राइट। ये सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे मैंने शुरू किया, ऐसे पेन को लेके गया और इसके बिल मुकाबल ऐसे इसको यहां तक ले आया जी, एनी प्रॉब्लम? नो, पहले सिर्फ सी पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद देखें उसके ऊपर मैंने एक टेढ़ा सा ऐसे बॉक्स नुमा बनाया जिसका निचला लाइन जो है निचली लाइन नहीं है, अब इसको सीधा मैंने ऐसे किया लाइक दिस, अब मैं यहां उल्टा सी लिखूंगा, लेकिन फर्क यह है कि सी के यहां बीच में एक वर्टिकल लाइन भी छोटी सी लेके आऊंगा और इसके पैरेलल इस सी को मैं बाहर तक ले आया, सीधी लाइन ये गई और इसके साथ साथ यहां पे लाके इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, ये क्या बन गया हसन? सर मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ प्यारा पाकिस्तान जिसपे जान भी कुर्बान, 14 अगस्त आ जाए तो फिर बाजे उठा के जिना के मकबरे पे पहुंच जाए भाई, जिना भी परेशान हो जाए, और मैंने किन को आजादी दे दी भाई, एक वो सर उस बंदे को ढूंढे जिसने बाजा बनाया था। ये बात भी ठीक है यार, आपने बड़ी दुखती रग पकड़ी है कि वो बंदा ही पकड़ लो जिसने, मैं कहता हूँ वो बंदा क्यों ना पकड़े जिसने इम्तिहान बनाए थे एग्जाम,
जिसने सर ये डिजाइन किया था ये पेपर एफपीएससी का लाइक पैटर्न, हाँ देखें वो फिर उसको आप ना कहें जिसने एफपीएससी का पेपर पैटर्न डिजाइन किया, क्योंकि बुराई तो फिर बढ़ती चली जाती है ना। आप बुराई को जड़ से पकड़े जहां से पेपर शुरू हुए थे ना, वहां से। ठीक है जी, लो जी मैंने बना दिया प्यारा पाकिस्तान। प्यारे पाकिस्तान के साथ ही मैंने ये एक वी जिस तरह लिखते हैं ना उस तरह नीचे लेके आया। फर्क सिर्फ ये है कि वी का ये जो दूसरा मैं लेके जा रहा हूं दूसरी लाइन, यहां से जाके मैंने इसको जरा सा बाहर की तरफ कर दिया है, यहां तक लाया और यहां लाके मैंने बना दिया जी बंगाल। ओके हसन, ओके सर, ये बन गया जी सब कॉन्टिनेंट। जी सब कॉन्टिनेंट में ये जो डॉटेड एरियाज मैं बना रहा हूं, पहले तो ये ढूंढते हैं ना कि इसमें रेजोल्यूशन के अल्फाज क्या हैं। अभी मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैंने पढ़ाना है अभी आपको, लेक्चर शुरू करना है मैंने अभी अभी, मैं सिर्फ एक और चीज की बैकग्राउंड बना रहा हूं। जरा जो अंडरलाइन कराए अल्फाज वो बताना हसन। सर ये है नॉर्थ वेस्टर्न जी, नॉर्थ ईस्टर्न हाँ जी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हाँ जी, और बीच में अगर आप जहन में ले आए कौन से नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी वाले। ठीक है सर। अच्छा तो पहले नॉर्थ वेस्टर्न ढूंढते हैं। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, ये साउथ नीचे इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके तो नॉर्थ ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट का ये आ गया जी नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है ये हो गया जी नॉर्थ ईस्टर्न। समझ आ गई जनाब? जी सर। तो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये क्या कौन से एरियाज हैं जी, क्या कहा इनको हमने रेजोल्यूशन में हसन? मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज। अच्छा फिर इन पे बाकी बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ये क्यों हैं। ये देखिए ये जो मैं डॉटेड एरिया बना रहा हूँ सारा प्रेजेंट डे सिंध और पंजाब का, यहाँ पे इस्लाम आ गया मोहम्मद बिन कासिम की वजह से। ये है जनाब सिंध और पंजाब का एरिया जहां पे मोहम्मद बिन कासिम की वजह से इस्लाम आ गया था, फैलता चला गया था ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिंध एंड पंजाब बिकेम द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। डन हो गया? यस सर। नॉर्थ वेस्टर्न की बात हो रही है अभी सिर्फ, तो यहां पे केपीके और बलूचिस्तान में जो इस्लाम है वो हमें आता हुआ नजर आ जाता है। किसकी वजह से जी? सुल्तान महमूद गजनवी के कारण, गजनवी की वजह से। ओके हो गया। अच्छा जी अब पहुंचे नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है दैट इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश। बांग्लादेश ये देखिए जनाब यहां पे इस्लाम आ जाता है। अभी लाएंगे यहां पे इस्लाम, अभी हम लाए नहीं है, अभी हमने यहां तक पढ़ा नहीं है। ठीक है अभी हमने सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न तक पढ़ा है। ओके तो ये मैप को अब आप देखेंगे तो आपको समझ आनी शुरू होगी कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी कंसोलिडेटेड टू फॉर्म। अगला लफ्ज अंडरलाइन हुआ आसान सर, इंडिपेंडेंट स्टेट। स्टेट्स आखिर वाले एस पे कंसंट्रेट कर दें सारा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्टेट नहीं है स्टेट्स। यस यही तो कहता था शेख मुजीब। हसन कौन था शेख मुजीब? सर शेख मुजीब जिसने लीड किया था बंगाल के एरियाज में मैक्सिमम सीट्स पे। शाबाश, वरना एक शेख साहब हुआ भी तो होते हैं ना मशहूर हैं जो बड़े। ठीक है ना जी वो तो कहते ना एक शेख साहब फौत हो गए ना बड़े कंजूस आदमी, वैसे वैसे बातें बनी हुई है बड़े कंजूस आदमी के, तो उन्होंने वो जो घी की बोतल है वो उन्होंने बंद करके रखी हुई थी बड़ी सख्ती से, तो घर वालों को कहते थे कि रोटी पे घी लगाना नहीं खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बोतल पे रोटी ना ऐसे राइट लेफ्ट करके कर लिया करो ताकि समझो कि घी लग गया। तो बहरहाल फिर वो एक दिन वो फौत हो गए, तो जो बड़ा बेटा था उसने वो घी की बोतल अलमारी के अंदर रख दी, अलमारी को बंद किया, ताला लगा दिया
और सबको घर वालों कहा कि अब ये जो ताला है ना, सिर्फ इससे रोटी रगड़ के समझ लिया करो की लग गया। और साथ एक तारीखी जुमला बोला कि हूं अब्बा जी वाले टाइम वालियां मौजा मुक गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो शेख मुजीब कौन था? अवामी लीग का सरबराह था, बांग्लादेश इसने बनवाया। वो क्या कहता था, उसके 6 पॉइंट्स थे, उसके 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि टू फॉलो लाहौर रेजोल्यूशन इन द लेटर एंड स्पिरिट। तो लाहौर रेजोल्यूशन की शिक क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, स्टेट नहीं है। समझ आई आसान कोई चीज? जी सर, राइट। ये है लाहौर रेजोल्यूशन। जरा मैंने आपको इसका मैप पे दिखाया कि क्या सिलसिला बनता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न प्रेजेंट डे बांग्लादेश। ये है जनाब लाहौर रेजोल्यूशन का थोड़ा सा तारफ। तो अब